दोस्तों, अगर आप रोहित शर्मा को शानदार खिलाड़ी और कप्तान मानते हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया ने कर दिया था रोहित शर्मा को आउट, अंपायर ने नहीं दिया कप्तान का साथ। रोहित शर्मा ने भी ले लिया ऐसा DRS, सभी को याद आ गई महेंद्र सिंह धोनी की याद। तो आखिर कैसे रोहित शर्मा ने चालाकी दिखाते हुए ऑस्ट्रेलिया के साथ साथ एम्पायर को भी शर्मसार कर दिया, और उस पर क्या कहा महेंद्र सिंह धोनी ने, कैसे धोनी रोहित के फैसले पर हैरान रह गए, उनके अद्भुत रिएक्शन का पूरा वीडियो हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि रोहित शर्मा, विराट कोहली और महेंद्र सिंह धोनी में सबसे बेहतरीन कप्तान कौन है, नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, दिल्ली के मैदान पर एक बार फिर से भारतीय गेंदबाजों ने तबाही मचाई और ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। उन्होंने सोचा था कि इसका फायदा उठाएंगे, लेकिन फायदा तो उठाया है भारतीय गेंदबाजों ने। जी हां, जहां मोहम्मद शमी ने अपनी खौफनाक गेंदबाजी से उनके टॉप ऑर्डर को चकनाचूर कर दिया, तो एक बार फिर से उनके लिए खौफ का दूसरा नाम बनकर आए स्पिन ट्विन रविंद्र जडेजा और रविचंद्रन अश्विन। जी हाँ दोस्तों, जहां रविचंद्रन अश्विन की फिरकी का जवाब दुनिया के नंबर वन और नंबर दो के टेस्ट बल्लेबाजों के पास नहीं था, उन्होंने एक ही ओवर में स्टीव स्मिथ और लबुशाने का शिकार कर ऑस्ट्रेलिया के रीढ़ की हड्डी चटका दी, और फिर रविंद्र जडेजा ने उन्हें हाथ खोलने का मौका भी नहीं दिया और भारतीय गेंदबाजों ने उनकी बुरी तरह से धज्जियां उड़ाते हुए महज 263 रनों पर ऑस्ट्रेलिया को पूरी पारी में ही खत्म कर दिया, यानी ये समेट दिया, और जिससे मोहम्मद शमी ने चार तो वहीं पर रविंद्र जडेजा ने तीन तीन विकेट हासिल किए। दोस्तों, वहीं ऑस्ट्रेलिया के बनाए गए इस लक्ष्य का पीछा करने के लिए भारतीय टीम मैदान में उतरती है, और पिछले मैच के शतक वीर रोहित इस मैच में भी फॉर्म में नजर आ रहे थे। टीम इंडिया ने एक धाकड़ शुरुआत कर दी थी, लेकिन 9वां ओवर लेकर आए नेथन लॉयन की गेंद पर कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। जी हां दोस्तों, लॉयन की चौथी गेंद पर रोहित शर्मा के खिलाफ अपील हुई थी और एम्पायर ने उन्हें आउट करार दिया था, लेकिन रोहित एम्पायर के फैसले से बिल्कुल भी खुश नहीं थे। उन्होंने इस पर रिव्यू लेने का फैसला कर लिया, और जब बड़ी स्क्रीन पर देखा गया तो रोहित शर्मा साफ नॉट आउट थे, और इसके बाद वो मैदान में खड़े रहे और एम्पायर के साथ साथ ऑस्ट्रेलिया को अपनी गलती समझ में आ गई। तो वहीं दोस्तों, रोहित शर्मा के DRS पर लोगों को महेंद्र सिंह धोनी की याद आ गई, जिन्होंने ऐसे ही रिव्यू लेकर अपना विकेट बचाया था। तो वहीं पर रोहित के रिव्यू पर धोनी भी हैरान रह गए, और मीडिया रिपोर्ट्स के सामने आई खबरों के अनुसार उन्होंने बताया कि रोहित शर्मा ने बिल्कुल उन्हीं की तरह रिव्यू लिया है, और तभी धोनी के फैन को धोनी की याद आ गई, और वो दोनों एक ही तरह के खिलाड़ी हैं, दोनों शांत रहते हैं और तभी उनकी बार बार तुलना होती है। तो दोस्तों, महेंद्र सिंह धोनी का रिएक्शन देखने के बाद आपको क्या लगता है कि रोहित शर्मा दूसरे टेस्ट मैच में शतक लगाएंगे या फिर नहीं, इस बात का जवाब नीचे हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।